ध्यान यानी कि मेडिटेशन। ये एक ऐसा शब्द है जिसे जानते तो सब हैं, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि मेडिटेशन क्या क्या कर सकता है। मेडिटेशन से आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हो, ये आपकी ज़िंदगी को पलट सकती है। सबकॉन्शियस माइंड के पास किसी भी बात को पहुंचाने के लिए मेडिटेशन सबसे बड़ा टूल बन सकता है। यह आपके चेतन एवं अवचेतन मन के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से मजबूत कर देता है, जिससे आपको अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होती है। मेडिटेशन आपके ब्रेन के साइज को ही पूरी तरह से बदल देते हैं। केवल 7-8 वीक के मेडिटेशन ही आपके ब्रेन से गलत विचार को निकालकर पॉजिटिव विचार को भर देते हैं। अगर आपके दिमाग में पहले 24 घंटे में 50,000 से 60,000 तक विचार आते थे, तो केवल मेडिटेशन क्रिया से ही इस विचार में बहुत कमी होने लगती है। मेडिटेशन आपको शारीरिक बीमारी एवं मानसिक बीमारी दोनों को ठीक कर देता है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति मस्तिष्क से ही होती है। TPJ नामक हिस्सा जो ब्रेन का होता है, यह आपके मन में आ रहे फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। TPJ के कारण ही इंसान को किसी भिखारी या किसी को कष्ट में देखकर दया आता है। बट आज के औद्योगिक युग में सभी मतलबी हो चुके हैं, किसी में दया का कोई भाव ही नहीं है। लेकिन जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो, तो कुछ दिन बाद ही आप देखोगे, आप महसूस करोगे कि किसी को कष्ट में देखकर आपको भी कष्ट महसूस होता है, और उसकी सहायता के लिए आप आगे आ जाओगे। अतः मेडिटेशन आपके फीलिंग्स एवं दया की भावना को पूरी तरह से बढ़ा देता है। ये लव लाइफ को भी अच्छी बना सकता है। आपके ब्रेन में एक एमिगोला नाम का पार्ट है, जो आपकी डर, दुख, चिड़चिड़ापन एवं टेंशन का कारण रहता है। अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो यह आपके एमिगोला के सेल वॉल्यूम को कम कर देता है, और इसके कारण आपके अंदर से डर, स्ट्रेस, चिंता सब कुछ कम हो जाता है। अगर आप कुछ हफ्तों तक मेडिटेशन करते हो, तो यह आपको एक सुपर ह्यूमन की तरह बना देगा। उड़ने वाला सुपर ह्यूमन तो नहीं, पर एक ऐसा सुपर ह्यूमन जिसके पास डर, स्ट्रेस, टेंशन जैसी कोई चीज़ होगी ही नहीं। ये सुपर ह्यूमन हमेशा लोगों की मदद के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। दोस्तों, अगर आप ब्रह्मचर्य और नोफैब नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से ब्रह्मचर्य का कुछ फ़ायदा भी आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य करते हो, तब तो आपके लिए मेडिटेशन 100% ज़रूरी है। आपको मेडिटेशन करना ही होगा, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो, तो आप ब्रह्मचर्य के ऊर्जा को संभाल ही नहीं सकते हो। ब्रह्मचर्य से मिलने वाले अनंत ऊर्जा को आप केवल मेडिटेशन से ही संभाल कर रख सकते हो, और वही स्टोर एनर्जी बाद में ओजस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो, तो आपको बार बार नाइटफॉल होगा, और इससे आपकी ब्रह्मचर्य भी कभी पूरी नहीं होगी। इसके अलावा मेडिटेशन आपको फिजिकल फायदे में भी मदद करता है, जैसे कि आपको वजन बढ़ाने में मदद करेगा, वजन को घटाने में मदद करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में। कई डॉक्टर ने भी डायबिटीज वाले पेशेंट को मेडिटेशन की सलाह देते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन के कई अनगिनत फायदे हैं, जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया हूँ। अगर आप चाहते हो कि पूरी डिटेल्स वीडियो आपको मेडिटेशन पे मिले, तो आपको कमेंट में जाके यह स्टेप करना होगा, उसके बाद मैं पूरी डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।